हेलो गाइस, हाय, दिस इज मी, मैं हूं टी चिंकीनाथ और आप देख रहे हैं द एडवेंचर क्लब गुवाहाटी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और राइट हैंड साइड में जो बेल का आइकॉन है इसको भी प्रेस करके थोड़ा पुण्य कमा लीजिए और हमें भी पुण्य कमाने का मौका जरूर दीजिए। तथास्तु, वन सेकेंड। अभी मैं बाइक यहाँ पे रख दिया हूँ तो थोड़ा सा अभी जाएंगे, पूरा आपको लोकेशन दिखाएंगे। गर्मी आ गया भाई, पूरा पसीना छूट रहा है, अभी पक जाएगा, ऊपर से पहाड़ भी चढ़ना है थोड़ा सा। श्री सूर्य पहाड़ इज लोकेटेड इन ग्वालपारा, नियर अबाउट 132 किलोमीटर्स फ्रॉम गुवाहाटी। মোবাইলে কেমেরা নব মিউজিয়ামে মে আয়া থা অভি ইন লোক কা কেনা আপ দেখ সকতে হ্যাঁ মগর ইয়াহ পে অন্দর মে ক্যামেরা অ্যালাউড নি হ্যায় তো ইসলিয়ে মে ক্যামেরা অন নাই কর পায়া ভিডিও নাই কর পায়া एक दो फोटो लिया है वो आप देख लीजिएगा। अगर आपको अंदर में वीडियो करना है तो परमिशन ज़रूर लेना है, उसके बाद ही आप अंदर में जाके वीडियो बना सकते हैं। ये शायद एंशिएंट टाइप का पत्थर है जो कि शिवलिंग आकृति से बनाया था। यहाँ पे आधा हिस्सा ही है, शायद टूट गया होगा या फिर हाँ मुझे लग रहा है कि टूट ही गया होगा क्योंकि यहाँ तक तो बना ही था, बाकी ये हिस्सा टूटा होगा। ये बहुत बड़ा शिवलिंग है। चलिए आगे चलते हैं। अभी तो शायद टूरिस्ट टाइम नहीं है, टूरिस्ट सीजन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कम आदमी आते हैं। यहाँ पे पिकनिक खाने मनाने के लिए भी आदमी लोग आते हैं तो इसीलिए शायद मेरे हिसाब से अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नहीं नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक आदमी लोग आता होगा, ये टूरिस्ट सीजन होगा शायद, आई थिंक सो। अल्टीमेटली बात यह है कि ये एक हिस्टोरिकल जगह है जो आप यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पे पिकनिक मना सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। ये आपका बहुत सारे पत्थर मिलके एक गुफा जैसा बना है, शायद ये भी शिवलिंग ही होगा, हो सकता है मे भी। आर्कियोलॉजिस्ट जो यहाँ पे बहुत कोशिश की थी, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। एक तो इतना ऊपर पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है और ऊपर से इतना गर्मी है, आई फील सो टायर्ड मैन। दिस इज कामाख्या टेम्पल, कामाख्या स्टैच्यू, कामाख्या मंदिर। यहां से जंगल वाला ट्रैकिंग भाई साहब,
यहाँ से रास्ता ख़त्म, कच्चा रास्ता से जाना पड़ेगा, तो चलिए कच्चा रास्ते से ही चलते हैं। यहाँ पे तो रास्ता भी नहीं है। मैं अभी सूर्य पहाड़ का एकदम टॉप में पहुँचा हूँ। अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कुछ होगा, सिर्फ पहाड़ ही है और जंगल है, कुछ नहीं है। और मैं आपको दिखा देता हूँ सराउंडिंग, एकदम टॉप में है हम लोग, मैं और मेरे साथ तीन दोस्त भी आए हैं, यहाँ पे मिला था मैं, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। अगर कभी भी यहाँ पे आना होगा ना, तो आप लोग ये लास्ट पत्थर आप देख लीजिए, यहाँ से आप आगे मत जाइएगा, क्योंकि आगे जाने से आपको कुछ नहीं मिलेगा और कच्चा रास्ता होगा। मैं आपको पहले ही बोला था कि ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कुछ है बोल के। और मैं लास्ट पत्थर जो है ये कामाख्या टेम्पल है, यही है, मैं उसका ऊपर में अभी खड़ा हूँ। तो मैं आपको अच्छी तरह से पूरा सराउंडिंग दिखा दूंगा, ये लास्ट बॉर्डर है, आप लोग यहाँ से क्रॉस करके मत जाइए। That one is one and only Brahmaputra River. और एक बात, यहाँ पे एक बुद्धिस्ट टेम्पल भी है और जहाँ पे मूर्ति है, मगर अनफॉर्चुनेटली यहाँ का जो गेट है वो लॉक करके रखा हुआ है, तो मैं अंदर में आपको जाके नहीं दिखा पाऊँगा, बाहर से जितना हो सके मैं दिखाता हूँ आपको। चलिए देख लीजिए एक बार। श्री सूर्य पहाड़ जो है ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। देयर आर मैक्सिमम नंबर्स ऑफ शिवलिंग्स जो कि पत्थर काट के बनाया गया है। Shoes is not allowed, अंदर में खोल के जाना पड़ेगा। चलिए खोल देते हैं। यह है आकाशी गंगा, you can see पत्थर का नीचे में है, अभी तो पानी सूख गया है, बट यही है आकाशी गंगा, no doubt. इट्स अमेजिंग अमेजिंग प्लेस मैन। आपको टाइम लेके आना पड़ेगा, रुक रुक के जाना पड़ेगा, तभी जाके आप अच्छी तरह से देख पाएंगे।
अभी सबसे अट्रैक्टिव प्लेस में अभी हम पहुंचने वाले हैं, तो मैं आपको दिखाता हूं, बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब सीनरी होगा। सिर्फ शिवलिंग ही दिखा देगा आपको, बहुत सारे हैं। ये वो बड़ा वाला है, ये है वो उस साइड में है। एवरीवेयर यू कैन सी ओनली शिवलिंग। चलिए एक जगह, ये भी शिवलिंग ही है भाई। यहाँ पे मानना है कि इस जगह में कम से कम 99,999 शिवलिंग है, जो कि व्यास द्वारा ये बनाने का ऑर्डर मिला था। और आर्कियोलॉजी के अनुसार यहाँ पर कुछ ही शिवलिंग पाए गए हैं। तो हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको आज वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आज बहुत मेहनत भी किया, बहुत कम समय में बहुत जगह आपको दिखाने का मौका मिला और एडवेंचर भी किया। अभी भी बहुत टायर्ड हूँ, सांस अभी भी फूल रहा है क्योंकि बहुत तेज़ धूप है और इस तेज़ धूप में इतना पहाड़ चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। यस और राइट साइड में जो बेल का आइकॉन है इसको तो प्रेस कर ही दीजिएगा, क्योंकि प्रेस करने से ही आपको नोटिफिकेशन जो है वो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। तो थैंक यू गाइज वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे ऐसा ही कुछ एडवेंचर को लेके। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय आयर होम, बाय बाय।